सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हैं वो अपने जो प्रीवियस की लेक्चर के अंदर टॉपिक देख रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा वाला, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस टाइप की बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बेस है वो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो टाइप है वो है आपके पास में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में तो हमने वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात की थी, आज के इस लेक्चर में हम दो वेरिएबल का कोई फंक्शन है, कहने का मतलब है आपके पास दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई का कोई फंक्शन है। एग्जांपल के रूप में देख लेते जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप का कोई फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन है वो दो वेरिएबल का है, इसमें एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। देन इस पे डिपेंड कोई भी यदि क्वेश्चन आए तो उसका हम मैक्सिमा और मिनिमा है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया हो ना उसको आपको यू के इक्वल लिख देना है। पहली स्टेप तो ये करनी है, या तो आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यू बराबर, कोई फंक्शन नहीं दिया गया हो देन आपको यू के बराबर उसको लिख के चलना है। देन आपको यहाँ पे तीन स्टेप है वो फॉलो करनी है। तीन स्टेप में आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने जो यू लिया है जो फंक्शन आपके पास उसका एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल करोगे और उसको जीरो के इक्वल रखोगे। सिमिलरली आप है वो उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे और उसको जीरो के इक्वल रखोगे। यहां से दो इक्वेशन आएगी आपके पास एक्स और वाई में। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको एक तो एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू ए आई, सिमिलरली वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, मान लेते हैं वो बी आई। ठीक है, इस हिसाब से दोनों इक्वेशन से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। फर्स्ट स्टेप में आपको इतना करना है। देन चलते हैं हम अपनी सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस यू का एक बार और पार्शियल डिफरेंशियल करना है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और ये जो फंक्शन होता है ये आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये मतलब कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस की चीज है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को अपन आर लिखते हैं। सिमिलरली जब इसका हम वाई के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल करें देन इसको हम एस लिखते हैं। और यदि हम इस डेल यू अपॉन डेल वाई का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें तो इसको टी लिखते हैं। ये तीन चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है सिंपल से वे में। देन हम चलते हैं अपने थर्ड वाले स्टेप में। थर्ड वाले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ से आर एस और टी की जो वैल्यू निकाली है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास टोटल चार केस देखने को मिलेंगे। अब वो चार केस क्या क्या हो सकते हैं, या तो हमने जो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव राशि है। ठीक है, और साथ में ये जो आर हमने यहाँ से निकाला है वो भी ग्रेटर देन जीरो मतलब वो भी पॉजिटिव है। तो यदि ये वाला केस आपको देखने को मिल जाए ना, इसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर है वो निम्निष्ट होगा। ओके, सेकेंड वाले केस में क्या होगा कि वही वाली चीज पॉजिटिव आई है आर टी माइनस एस स्क्वायर लेकिन जो आर निकाला है वो नेगेटिव आ जाए, वो क्या हो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो। देन उस स्थिति में आपके पास जो फंक्शन है वो यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट है इसके ऊपर उच्चिष्ट मान देगा। नेक्स्ट हम बात करें अपनी थर्ड वाली स्टेप की। तो थर्ड वाली स्टेप में क्या हो सकता है कि जैसे दो स्टेप में तो हमने देखा कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास जो आर टी माइनस एस स्क्वायर वो नेगेटिव निकल के आ जाए मतलब लेस देन जीरो आ जाए। जब भी ऐसा केस बनेगा उस स्थिति में ध्यान रखना हमेशा आर जो निकलेगा वो जीरो ही निकलेगा, तभी आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो लेस देन जीरो रहेगा। और ऐसे वाला केस जब भी मिल जाए ना तो उस स्थिति में हम फंक्शन का उस एक भी पॉइंट के ऊपर कोई भी चरम मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे मतलब ना तो उच्चिष्ठ प्राप्त कर पाएंगे न ही निम्निष्ठ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट आती है फोर्थ वाली स्टेप कि यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव निकल गया नेगेटिव निकल गया लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जीरो ही आ जाए, जो वैल्यू है वो जीरो है। तो उस स्थिति में जो केस होगा ना वो डाउटफुल केस होगा और उसके लिए हमें है वो अलग मेथड का यूज लेना पड़ेगा। तो इस वाले केस पे बेस है वो क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। मेनली आपके पास ये दो दो तीन केस है ऊपर वाले इन्हीं के ऊपर बेस है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोली आपको यहाँ पे स्टेप समझ में आ गई होगी कि दो वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात कैसे कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बेस पे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवाता हूँ। तो चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है कि आपको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहाँ पे ये जो दिया गया फंक्शन है उसका मान उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्त हो,
मतलब आपको इस वाले फंक्शन के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं इसके लिए अपन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया है हम उसको u के इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस का 3ax ऑफ y। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, हमने अपना फंक्शन लिख दिया। अब हम है वो हमारी जो तीन स्टेप है वो उनको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया गया है उसका अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 3a ऑफ y, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सिमिलर केस के अंदर इसका हम y के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल करें तो हमारे पास बनेगा 3y स्क्वायर और माइनस का 3a ऑफ x, ठीक है। इसका तो 0 हो गया और इसका कर लिया और यहाँ पे x का 1 हो गया और ये वाला कॉन्स्टेंट निकल के आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हम है वो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से है वो x और y की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपको पता है ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल लेके चलनी हमने देखी थी वहां पे, ठीक है। ये मैं 0 के इक्वल ले लेता हूँ, देन यहाँ से हम देखें यदि इक्वेशन 1 की मैं बात करूँ तो क्या इक्वेशन 1 से मैं ये लिख दूँ क्या, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 3a, कुछ नहीं किया है दोनों को इक्वल लेके गया हूँ और y की वैल्यू के इक्वल मैंने ये लिख दिया, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और क्या बचा x स्क्वायर अपॉन में a, इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा ये y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा और इस पूरे को x की इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, देन मेरे पास x की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने 10th क्लास में सीखा होगा यदि आपके पास कोई दो इक्वेशन दी गई हो तो। तो नाउ अब क्या करें, इक्वेशन 3 है वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू वाई स्क्वायर का मतलब हुआ अक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस में 3a अक्स और इक्वल में क्या आ गया 0, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे यदि पूरे में 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 कॉमन लेके हम 0 में भेज देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए स्क्वायर लघुतम ले लेते हैं तो यहाँ पे जो फाइनली आपके पास निकल के आएगा वो आएगा अक्स की पावर 4 माइनस ए अक्स की ए क्यूब अक्स और इक्वल में 0, ये निकल के आ गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ से पूरे से अक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास निकल गया अक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 इक्वल में 0। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये और इक्वल में क्या आ गया 0। अब यहाँ से मैं अक्स की वैल्यूज है वो बता सकता हूँ, तो यहाँ से अक्स मेरे पास क्या क्या निकल के आएगा, एक तो अक्स मेरे पास 0 आ गया, सिमिलरली यहाँ से अक्स की बात करूँ तो यहाँ से अक्स मेरे पास क्या आ गया a, और इस वाली इक्वेशन को यदि मैं 0 के इक्वल लिखूँ तो यहाँ से मेरे को इमेजिनरी रूट ही मिलेंगे। तो यहाँ से मेरे को जो इमेजिनरी रूट मिले हैं, इमेजिनरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तो रियल वैल्यूज ही लेनी है। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से मेरे को अक्स की दो वैल्यू मिल गई। अक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं वाई बता सकता हूँ, वाई कहाँ से बताऊंगा मैं इक्वेशन 3 से। तो नाउ इक्वेशन 3 से मैं वाई की अक्स और वाई की वैल्यू कैसे बताऊंगा, जब अक्स बराबर 0 दैट इज इंप्लाइज, यहाँ से इक्वेशन 3 में अक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू भी क्या आई 0, तो डेट इज इंप्लाइज हमारे पास जो अक्स वाई पॉइंट आया ना वो क्या आया 0,0। सिमिलर केस में जब मैं अक्स बराबर ए है वो इस इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए, ए कैसे एक कट गया ए ही बचा, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई ए, तो डेट इज इंप्लाइज मेरे पास जो अक्स वाई पॉइंट निकल के आया वो आया ए कोमा ए, तो हमारे पास दो पॉइंट है वो यहाँ पे निकल के आ गए। सेकेंड स्टेप का हमारे पास काम हो गया, अब चलते हैं हम अपनी तो फर्स्ट स्टेप का हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड स्टेप में। तो नाउ सेकेंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जो कि आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल करें तो ये क्या आ गया 6x और इसका तो 0 ही हो गया जो एक्स का फंक्शन नहीं है। देन सिमिलरली यदि हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की बात करें जो कि एस के इक्वल होता है वो क्या निकलेगा
इसका वाई के रिस्पेक्ट में मैं करूं तो ये तो हो गया जीरो, माइनस ये हो गया वाई का वन हो गया तो थ्री है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का थ्री है। सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और वो होता है टी के इक्वल। तो इसका हम एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें तो ये क्या है, सिक्स ऑफ वाई। तो सेकेंड वाली स्टेप का काम यहाँ पे हो गया, आर एस और टी हमने निकाल दिया। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाली स्टेप में, जिसके बेस पे हम बता पाएंगे कि हमें उच्चिष्ट मान क्या मिल रहा है, निम्निष्ट मान क्या मिल रहा है। तो यहां से नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर हम यदि निकाले, या इसलिए लिख देता हूं मैं, इसलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर में निकालू तो आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिक्स एक्स, टी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सिक्स वाई, और माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का तीन ए का ये होल स्क्वायर निकाला मैंने। तो ये तो हो गया 36xy और ये हो गया माइनस का 9 ऑफ ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकली मेरे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर की। तो यहां तक का मेरा काम हो गया, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसकी हम जांच करेंगे, हमने जो पॉइंट निकाले हैं उन पे, कि उन पे हमें नेगेटिव मिल रही है कि पॉजिटिव मिल रही है या फिर क्या मिल रहा है, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे तो इसलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की जांच हम सबसे पहले करते हैं जीरो जीरो पे। तो जीरो जीरो पे मैं जांच करूं तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ, इसका मतलब ये है तो ये तो जीरो हो गया और ये क्या बचा मेरे पास, फाइनली माइनस का नाइन ए स्क्वायर, जो कि क्या है, लेस देन जीरो, ठीक है। सिमिलरली आर की बात करूं मैं जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे, क्यों हमें दो चीज निकालनी होती है ना, तो आर मेरे पास क्या है, ये सिक्स एक्स, तो सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो, तो आर की वैल्यू क्या हो गई जीरो। तो ये केस मैंने आपको बताया था थर्ड वाला केस, कि जब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आए ना, तो उस स्थिति में 100% आर की वैल्यू जीरो जीरो होगी और उस स्थिति में हम कोई भी चरम मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ फंक्शन का कोई चरम मान हमें प्राप्त नहीं होगा, कोई चरम मान प्राप्त नहीं होगा, कोई चरम मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। सिमिलर केस के अंदर अब हम चेक करेंगे हमारे सेकंड वाले पॉइंट पे, अगेन हम चेक करते हैं यहाँ पे आर टी माइनस जो एस स्क्वायर है उसकी वैल्यू चेक करेंगे ए कोमा ए पे, देखो क्या निकलता है, एक्स वाई की जगह ए लिखा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया 36 ए स्क्वायर और माइनस का 9 ए स्क्वायर, क्या आया 36 ए स्क्वायर माइनस का 9 ए स्क्वायर, तो कितना बचा 27 ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली आर की वैल्यू की बात करें ए कोमा ए पे, तो वो मेरे पास क्या निकलेगा यहाँ पे, ये 6 ए हो गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो 27 ए स्क्वायर आया और आर की वैल्यू आई 6। अब यहाँ पे हमें देखो सीधी सीधी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली है, सारी की सारी चीज ए पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे ए ही एक ऐसा फंक्शन या कोई वेरिएबल हम बोल सकते हैं जिसके बेस पे हम बता पाएंगे कि हमारे पास ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो केस देखने को मिलेंगे, यहाँ यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है उस स्थिति के अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो निम्निष्ट मान देगा, निम्निष्ट होगा, ठीक है, फिर सारी चीज a पे डिपेंड कर रही है सारा। सिमिलरली यदि a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस स्थिति में हमारे पास जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट मान देगा, उच्चिष्ट होगा। So, हमने यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेप अप्लाई करके बता दिया कि हमारे पास दिया गया फंक्शन कब उच्चिष्ट होगा और कब निम्निष्ट होगा। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू।